हेलो नमस्ते, वेलकम टू द मंथ ऑफ जून। टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, मैं बताने के लिए हूँ तैयार। आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि से, यानी कि एरी से। आपके लिए आता है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि आपकी कोई विश डेफिनेटली फुलफिल होने वाली है ये मंथ, एंड यू डेफिनेटली बी फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज नाइन ऑफ कप्स यही इंडिकेट करता है कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। दिस मंथ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी बैलेंस्ड एज फार एज योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स आर कंसर्न। साथ ही साथ किसी से कुछ दोस्ती हो सकती है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ यू मे इवन रिकनेक्ट विद एन ओल्ड फ्रेंड और इवन एन ओल्ड फ्लेम दिस मंथ। सो लुक्स लाइक दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग मंथ फॉर यू। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए था यस, दिस इज अ पॉजिटिव मंथ, एंड यस व्हाटएवर यू वांट दिस मंथ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड ऑस्पिशियस फॉर यू। यस का यही मतलब है एंजल्स आर इन फेवर ऑफ यू एंड इन फेवर ऑफ एवरीथिंग दैट यू वांट। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि ये मंथ आपका लकोमीटर है काफी हाई। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी टॉलरेंस की। आपके लिए आता है द फूल का कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि यू मे वांट टू टेक सम रिस्क इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, बट मेक श्योर दोज आर कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि जो भी आप कदम उठाने जा रहे हैं उसके बारे में आप सोचेगा जरूर। मेक श्योर इट इज समथिंग दैट यू हैव थॉट ऑफ एंड दैट विल बी डेफिनेटली मोर फेवरेबल फॉर यू। एंड नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड भी आया है, जो युवा पीढ़ी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ यू विल बी चार्जिंग अहेड इन योर करियर, यू विल बी अ गो गेटर एंड अचीवर एंड अ रिस्क टेकर इवन ऑन द पर्सनल फ्रंट। लगता है आप किसी का दिल जीतने वाले, एंड दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट पॉजिटिव एंड नाइस फॉर यू। आइए अब देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं एंजल मैसेज। और आपके लिए आता है डोंट स्टॉप एट द मोमेंट। एग्जैक्टली आपके जो कार्ड्स है वही आपका एंजल मैसेज है। डोंट स्टॉप एट द मोमेंट, चार्ज अहेड एंड गो अहेड एंड सी हाउ थिंग्स वर्क आउट इन योर फेवर फॉर द बेटर वे। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनाइज की। देखते हैं आपके लिए क्या है। आपके लिए आता है द हर्मिट का कार्ड, जो इंडिकेट करता है देयर इज समथिंग यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट, डीप इंट्रोस्पेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए ये मंथ होने वाला है। एंड द हर्मिट तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपका कोई फिजिकल ग्रोथ भी होने वाला है, यानी कि यू मे ग्रो इन योर करियर, यू मे ग्रो इन योर बिजनेस और यू मे ग्रो विद सम अपॉर्चुनिटी। एंड द हर्मिट यही इंडिकेट करता है फ्यूचर प्लानिंग आप काफी करेंगे। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी, देयर कुड बी सम शिफ्टिंग, देयर कुड बी सम रेनोवेशन एंड देयर कुड बी सम बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल दिस मंथ। वैसे जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं ये मंथ आपके लिए काफी शुभ है, और आपकी अरेंज मैरिज के थ्रू बात पक्की भी हो सकती है। आइए देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स योर एंजल मैसेज। एंजल मैसेज इज देयर इज सम अपॉर्चुनिटी कमिंग फॉर यू दिस वे। ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ देयर इज सम ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि ये मंथ आपका लकोमीटर है काफी हाई। आइए बात करते हैं कर्क राशि की, यानी कैंसरियंस की। देखते हैं आपके लिए क्या है। आपके लिए आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि औरतों के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा है एज फार एज करियर मैटर्स आर कंसर्न, एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, एज फार एज सम बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न और सम ग्रोथ इज कंसर्न ऑन द करियर फ्रंट। ये मंथ आपके लिए काफी शुभ होने वाला है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब, दिस इज डेफिनेटली अ लकी मंथ फॉर यू। लेकिन एट ऑफ कप्स इंडिकेट करता है ऑन द पर्सनल फ्रंट थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। यू मे नॉट फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट लॉट ऑफ योर डिसीजंस, इसलिए टेक योर टाइम and try to avoid some confrontations because वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेज। आपके लिए आता है big happy changes are coming your way but you need to have a little bit of patience and there will be something positive to look forward to। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की, यानी कि लियो की। देखते हैं आपके लिए क्या क्या है। आपके लिए आता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि जो युवा पीढ़ी है मैं आपको बताना चाहती हूँ यू विल बी चार्जिंग अहेड टुवर्ड्स योर करियर, यू विल बी अ वेरी एम्बिशियस पर्सन दिस मंथ एंड यू विल बी वेरी फोकस्ड ऑन अचीविंग योर करियर गोल्स। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कोई टेस्ट या एग्जाम है तो ये मंथ आपके लिए काफी शुभ है, आपको सफलता मिलने वाली है। टेन ऑफ वॉन्स का कार्ड भी आया है। यू विल बी ओवरबर्डन विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ दिस मंथ एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न और एज फार एज
as overthinking is concerned or future plans are concerned. लेकिन आपको future के बारे में ज़्यादा stress नहीं लेना है and try and be more calm and more sorted. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है angel message. आपके लिए आता है be assertive, यानी कि आपको जो चाहिए उसमें आप एकदम firm रहिए, assertive रहिए and don't budge for what you believe is right. वैसे आपके cards को देखकर मुझे लगता है कि ये month आपका luckometer है medium. आइए बात करते हैं कन्या राशि की यानी कि वर्गोस की, देखते हैं आपके लिए क्या है. आपके लिए आता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ ये मंथ कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी की फॉर यू एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू विल बी इन द मूड टू कम्युनिकेट व्हाट्स इन योर हार्ट. साथ ही साथ अगर आपको इम्पोर्टेंट ईमेल, फोन कॉल या कोई डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो फोन कॉल आने वाला है या वो डॉक्यूमेंटेशन आने वाला है बिकॉज इट्स अ लकी मंथ फॉर यू एंड लुक्स लाइक पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट यू एज वेल बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. आपका पार्टनर आपको काफी अप्रिशिएट करने वाला है, साथ ही साथ लोग आपकी टैलेंट की तारीफ करेंगे एंड व्हाट मोर डू यू वांट, यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर योर टैलेंट. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेज. आपके लिए आता है वेट फॉर सर्टेन थिंग्स टू हैपन, इट विल हैपन बट बी पेशेंट. राइट नाउ मे नॉट बी द टाइम फॉर सर्टेन चेंजेस बट थिंग्स विल मूव इन द नियर फ्यूचर. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि ये मंथ आपका लकोमीटर है काफी हाई. आइए बात करते हैं लिब्रेंस की यानी कि तुला राशि की, देखते हैं आपके लिए क्या क्या है. आपके लिए आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि दिस मंथ इट इज अ टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट सम प्रैक्टिकल न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि यू विल हैव टू मूव इन अ मोर पॉजिटिव डायरेक्शन इफ यू वांट सर्टेन थिंग्स टू वर्क आउट फॉर यू, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. यानी कि आपको उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन यू विल गेट अ न्यू फाइनेंशियल और अ वर्क अपॉर्चुनिटी दिस मंथ. थ्री ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है लेकिन कुछ और चीजों के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाए एंड मेडिटेशन विल बी की फॉर यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम. आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की एंड की स्कॉर्पियंस की, देखते हैं आपके लिए क्या क्या है. आपके लिए आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड. वेल सितारे हैं आपके साथ, व्हील इज स्पिनिंग इन योर फेवर एंड लुक्स लाइक डेस्टिनी इज डेफिनेटली फेवरिंग यू एट द मोमेंट. एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो यही इंडिकेट करता है कि आप जो भी सक्सेस चाहते हैं ये मंथ उसकी शुरुआत होने वाली है या फिर आपको कोई ना कोई डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाला है बिकॉज सितारे हैं आपके साथ. और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल प्लान बना सकते हैं या यू मे बी ट्रैवलिंग फ्रॉम worst times into better times. यानी कि सितारे जो है धीरे धीरे आपके फेवर में चल रहे हैं. सो दिस मंथ इट लुक्स लाइक यू विल बी मूविंग इन अ मोर पॉजिटिव एंड बेटर डायरेक्शन. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेज. आपके लिए आता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थिंग्स विल मूव फॉर यू, थिंग्स विल ब्लॉसम. मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी आपकी शुरुआत होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है एंड यू विल डेफिनेटली सी द बेनिफिट ऑफ दैट. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि ये मंथ आपका लकोमीटर है काफी हाई. आइए बात करते हैं धनुराशि की यानी कि सैजिटेरियंस की, देखते हैं आपके लिए क्या क्या है. आपके लिए आता है द लवर्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि प्यार में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलेगी ये मंथ लेकिन ओवरऑल योर रिलेशनशिप विल गेट स्ट्रॉन्गर. यू मे हैव सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस विद योर पार्टनर बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज दैट विल स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप. साथ ही साथ द लवर्स यही इंडिकेट करता है कि प्यार की शुरुआत होने वाली है. फॉर दोज ऑफ यू आर सिंगल एंड लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप देयर कुड बी यू समवन यू मे अप्रोच फॉर अ रिलेशनशिप और फॉर अ न्यू इमोशनल बिगिनिंग. और फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है लेकिन हेल्थ वाइज फाइनेंशियली और ऑन द वर्क फ्रंट थोड़ा सा कॉम्पिटिशन होने वाला है, थोड़ा सा स्ट्रगल होने वाला है, थोड़े से डिलेज होने वाले हैं. सो दिस मंथ इज अ मंथ फॉर यू टू कीप पेशेंस इन जनरल एज फार एज ऑल योर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ आर कंसर्न. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेज.
आपके लिए आता है हेल्पफुल पीपल, यानी कि रिलाई ऑन द पीपल हु आर हेल्पफुल टू यू एंड हु विल गाइड यू, गार्ड यू एंड प्रोटेक्ट यू एंड गिव यू द राइट एडवाइस, क्योंकि ये मंथ आपको डेफिनेटली थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि ये मंथ आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो। आइए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर राशि की, देखते हैं आपके लिए क्या है। आपके लिए आता है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वेल, इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क हार्ड एंड इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है जितना ज्यादा मेहनत करेंगे एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर उतनी ही आपको सफलता मिलने वाली है, लेकिन धीरे धीरे सफलता मिलने वाली है। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू जस्ट वर्क हार्ड एंड जस्ट लीव द रेस्ट टू द यूनिवर्स एंड टू द लॉर्ड। और वैसे फोर ऑफ सोर्स का कार्ड भी आया है। वेल, हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है एंड इवन ऑन द रिलेशनशिप ऑन द लव फ्रंट में भी फ्यू थिंग्स विल बी गोइंग अ लिटिल स्लो, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट बिकॉज द गुड थिंग्स डू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत स्लो जा रही है या मेरे फेवर में नहीं जा रही है, लेकिन Universe is just testing you a little bit. Let's see what's in store for you as far as the angels are concerned. आपके लिए आता है no, I was not the right time for things to move. इसलिए आपको patience रखना है and angels आपको यही कहना चाहते हैं कि be patient and no, don't be negative at the moment. वैसे आपके पास को देखकर मुझे लगता है कि ये month आपका luckometer है medium. Aquarians यानी कि कुंभ राशि, बारी अब आपकी। आपके लिए आता है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ समथिंग बीइंग स्टोलन और टेकन अवे फ्रॉम यू दिस मंथ बिकॉज दैट विल डेफिनेटली गो अगेंस्ट यू। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का यही इंडिकेशन है कि थिंग्स मे नॉट मूव एग्जैक्टली द वे यू वांट एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं कि लोग आपको चीट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए डू बी अलर्ट एंड स्ट्रेंथ की जरूरत है आपको ये मंथ। यू विल रिक्वायर योर स्ट्रेंथ मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। देयर कुड बी सम चैलेंजिंग सिचुएशन जिसमें आपको पूरी ताकत की जरूरत है, इसलिए डू टैप इनटू योर इनर स्ट्रेंथ एंड डू टेक स्ट्रेंथ फ्रॉम पीपल अराउंड यू हु यू ट्रस्ट। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेज। आपके लिए आता है टेक एक्शन। इफ देयर इज समथिंग दैट्स नॉट वर्किंग इन योर फेवर, टेक एक्शन एंड मेक श्योर यू मूव दैट सिचुएशन एंड मेक श्योर दैट यू डू योर बेस्ट दैट व्हाट यू कैन। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि ये मंथ आपका लकोमीटर है थोड़ा सा। आखिरी राशि के बारे में बात करते हैं मीन राशि की, यानी कि पाइसिस की। देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। आपके लिए आता है थ्री ऑफ कप्स। देयर इज सम सेलिब्रेशन, देयर इज सम गुड न्यूज, देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एज फार एज योर पर्सनल लाइफ इज कंसर्न, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में या आपके क्लोज फ्रेंड्स में कोई त्योहार हो। समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, समथिंग टू बी पॉजिटिव अबाउट एंड थ्री ऑफ कप्स तो यही इंडिकेट करता है कि इवन ऑन द लव फ्रंट देयर मे बी सम गुड न्यूज कमिंग योर वे। एंड एट ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। क्विक एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली एंड मे बी इवन ऑन द हेल्थ फ्रंट। तो एट ऑफ वांड्स तो यही इंडिकेट करता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज योर माइंडसेट एंड मेक इट टोटली पॉजिटिव बिकॉज देयर आर ओनली पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेज। आपके लिए आता है पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होने वाला है इट्स गोइंग टू बी अ पीसफुल रेजोल्यूशन फॉर यू एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू पीस ऑफ माइंड। वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि ये मंथ आपका लकोमीटर है काफी हाई। I hope मैंने जो guidance दिया है आपके काम आ जाए। Do like, share and subscribe this video. See you all next month और मैं आपको बताऊंगी कि आपके सितारों में क्या होगा खास। Till then, take care. God bless.